हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक एफएमसीजी कंपनी बताऊंगा, लार्ज कैप कंपनी बताऊंगा, जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा देती है। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा होगा, बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करेगी। और जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है भाई, तो ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर दिसंबर 17 में था वो 9772.02 था, दिसंबर 17 में 9772.02 था, और दिसंबर 18 में देख लो 11227.66 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में इसका नेट सेल नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो टोटल इनकम था वो 10,398.94 था, दिसंबर 17 में 10,398.94 था, और दिसंबर 18 में देख लो 12,064.05 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 3,904.50 था, दिसंबर 17 में 3,904.50 था, और दिसंबर 18 में देख लो 4,325.77 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो एबिटा था वो 4,531.42 था, दिसंबर 17 में 4,531.42 था, और दिसंबर 18 में देख लो 5,162.16 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस हुए देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ दिया भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, दिसंबर 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 2,677.30 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में देख लो 3,209.07 हो चुका है। तो भाई देख सकते हो उसका प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। रिपोर्टेड पैड देख लो, रिपोर्टेड पैड भी शानदार है इसका क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो पैड था वो 3,090.20 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में देख लो 3,209.07 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे। तो देखिए, मार्च 14 में जो नेट सेल था वो 33,238.60 था, मार्च 14 में 33,238.60 था, और मार्च 18 में देख लो 40,627.57 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका नेट सेल्स नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो टोटल इनकम था वो 34,345.74 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में देख लो 42,757.38 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका नेट सेल, टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 12,454.84 था, मार्च 14 में 12,454.84 था, और मार्च 18 में देख लो 15,540.98 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो एबिटा था वो 13,500
561.98 था, मार्च 14 में 13561.98 था, और मार्च 18 में देख लो 17670.88 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भाई मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मैं जितनी तारीफ करूँ वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिया भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो मार्च 14 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर था वो 8785.21 था, मार्च 14 में 8785.21 था, और मार्च 18 में देख लो 10810.35 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिवे नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। रिपोर्टेड पैड देख लो, रिपोर्टेड पैड भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो पैड था वो 8785.21 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में देख लो 11223.25 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका ईयर टू ईयर भी बहुत ही अच्छे लगे। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए आपका वेल्थ क्रिएट होगा और इसमें आपका पैसा भी सेफ रहेगा। आईटीसी का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। पहले फ्रेंड मैं इस कंपनी पे बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, 260 रुपए से मैं बताना स्टार्ट किया था। कुछ दिन पहले भी मैं इस पे वीडियो बनाया था, 204 रुपए जब प्राइस था, और अब इस स्टॉक में करेक्शन हो चुका है, तो थोड़ा सा और करेक्शन होने दीजिए। 285 के पास आता है भाई तो आप लोग खरीदना शुरू कर दो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसमें आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। जब भी मैं आईटी से वीडियो बनाता हूँ, एचयूएल के बारे में बताता हूँ, तो कई लोग कमेंट करते हैं कि ये कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप है, बहुत कम रिटर्न बना के देगा, लॉन्ग टर्म में 10-15% रिटर्न बना के दे सकता है। तो भैया क्या आप हजार परसेंट रिटर्न वाला चाहते हो क्या स्टॉक? तो भैया मेरे पास ऐसा कोई भी शेयर नहीं है, समझे? बजाज फाइनेंस भी आपको 1000% एक साल में रिटर्न बना के नहीं दे सकता। आप लोग अगर ऐसा सोचते हो भाई तो कभी भी इस मार्केट से आप लोग बड़ा पैसा बना ही नहीं पाओगे। मुझे पता है ना, मैं जब नया आया था तो मुझे भी लगता था भाई कि हजार परसेंट वाली कंपनी में पैसा डाला जाए, लेकिन मैं जब डालता था तो पता चलता था कि खरीदा और खरीदने के बाद वो स्टॉक नीचे आने लगता था। तो भाई मैं जब सुधर गया तो आप लोग भी सुधर जाओगे। आईटीसी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, एचयूएल को जगह दीजिए, बजाज को जगह दीजिए, और भी कई सारी मैं कंपनी बताया हूँ जिसमें आप लोग पैसा लगा सकते हो, और इन सब कंपनियों में पैसा लगाते हो भाई तो आपका पैसा भी सेफ रहता है। आईटीसी का मैं बिजनेस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो मैं बिजनेस में गया तो इनका जो बिजनेस फ्रेंड वो एफएमसीजी का बिजनेस है, आप सब लोग को पता ही होगा, होटल का बिजनेस है, और भी कई तरह की कंपनियां बिजनेस करती है, जैसे पैकेजिंग का इनका बिजनेस है, एग्री का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी बिजनेस है, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर का भी बिजनेस है, और भी कई तरह की कंपनी बिजनेस करती है। लेकिन फ्रेंड मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा एफएमसीजी के बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि 13 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें एफएमसीजी का इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा कर रही है। एग्री का बिजनेस में थोड़ा सा मंदी आ सकता है, लेकिन एफएमसीजी का बिजनेस और होटल का बिजनेस में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश करने वाली है। तो आप लोग इस कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा देती है। आईटीसी लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो आप अपने स्क्रीन पे, 10 साल में रिटर्न है वो 374.17% है, सेंसो को रिटर्न है वो 215.44% है। तो भाई आपको यहाँ पे रिटर्न शायद कम लग रहा होगा, 10 साल में 374% आपको कम लग रहा होगा, लेकिन भाई देखो आपका पैसा अगर 10 साल में 3 गुना बनता है, 3.5 गुना बनता है, 4 गुना बनता है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत कम रिटर्न बना के दे रही है, 3 साल से ये स्टॉक तो चला ही नहीं है भाई, अगर चलता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न शो कर सकता था। 2019-20 में मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको बहुत ही तेज रिटर्न बना के दे सकता है दूसरी कंपनी के मुकाबले। 3 साल में रिटर्न है वो 38.12% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 45.36% है। आप लोग घबराइए नहीं, रिटर्न मिलेगा भाई, पेशेंस रखो, कोई भी स्टॉक वन साइडेड नहीं चलता है। वन ईयर में देख लो, वन ईयर में रिटर्न है वो 6.38% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 6.29% है। ईयर टू डेट में देख लो,
ईयर टू डेट रिटर्न है 5.70% है, सेंसेक्स रिटर्न है 3.87% है, 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ का रिटर्न है 1.26% है, सेंसेक्स रिटर्न है -2.91% है, 1 वीक में देख लो, 1 वीक में रिटर्न है -1.94% है, सेंसेक्स रिटर्न है -3.85% है, 1 डे में देख लो, 1 डे में रिटर्न है -0.70% है, सेंसेक्स रिटर्न है -0.26% है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाइए, 285 के आसपास ये स्टॉक आता है भाई, तो आप लोग खरीदने की कोशिश करना, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा। अगर आप 10 साल 15 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो और बड़ा पैसा लगाना चाहते हो तो ITC में पैसा लगा सकते हो, क्योंकि इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा। ITC का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 0% है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। FIS का जो होल्डिंग है ITC में वो 17.04% का है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 8.54% का है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 21.54% का है, अदर डीआई पर जो होल्डिंग है वो 8.12% का है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 44.76% का है। कोई भी शेयर ITC का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ITC का पी रेशियो है ITC का वो 30.53 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू ITC का वो 7.22 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड देख लो बहुत ही बढ़िया है भाई 1.73% का है, ROC जो लेटेस्ट है वो 41.97% का है, ROE जो लेटेस्ट है वो 23.66% का है। तो मुझे इसका डिविडेंड यील्ड ROC ROE बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, तो भैया कंपनी अच्छी है तभी तो एक्सपेंसिव बता रहा है, और ये स्टॉक भाई आपको सस्ते में मिलने वाला नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा ITC का वो 136 से 175 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, तो भैया अभी आपके पास मौका है, खरीद के रख लो, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अगर आप सोचोगे कि ये स्टॉक आपको 175 के प्राइस से मिल जाए तो भैया कभी भी नहीं आने वाला है स्टॉक का प्राइस 175। आप लोग इस कंपनी में 285 के आसपास ये स्टॉक आता है तो पोजीशन बना लेना लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भाई मैं ये स्टॉक नहीं बता रहा हूँ आपको। ITC लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 322.70 रुपया, 52 वीक लो है 258.90 रुपया। इसका जो फ्रेंड लाइफ टाइम हाई है वो 360.65 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। आप टेक्निकल चार्ट देखोगे, ग्राफ देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वहाँ से ये स्टॉक गिरना जो स्टार्ट हुआ था वो 255 तक गया था, और फिर से ये स्टॉक 297 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो खरीदिए इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियो में ITC जैसे स्टॉक हैं तो। ITC का सेंटीमीटर देख लो, 60% वर है बाय कीजिए, 30% वर है सेल कीजिए, 10% वर है होल्ड कीजिए। मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है, 3,64,939.46 का मार्केट कैप है, तो भाई एक लार्ज कैप कंपनी है। पी जो है ITC का वो 30.63 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है वो 32.58 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले ITC का पी थोड़ा सा कम है। बुक वैल्यू जो है ITC का वो 41.93 का बुक वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर देख लो, EPS देख लो 9.72 का EPS है भाई, फेस वैल्यू 1 का है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए लॉन्ग टर्म के लिए, SIP के थ्रू भी इसमें पैसा लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकेगा बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप अपनी पोर्टफोलियो में ITC को जगह दीजिए, HUL को जगह दीजिए, ब्रिटानिया को जगह दीजिए, अच्छी कंपनी खरीदोगे भाई तो आपका पैसा बनेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं शेयर मार्केट से पैसा बना सकता हूँ। धन्यवाद।